वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देखो, चाहे वो आरबीआई का असिस्टेंट हो या किसी भी ग्रेड का एग्जामिनेशन हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या फिर इवन एसएससी के एग्जामिनेशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समटाइम्स ये 3 नंबर के आते हैं, कभी ये 5 नंबर के आते हैं, बट इनका आना तय है। और ये एक अच्छा सेक्शन है जहाँ पे आप थोड़ी सी भी नॉलेज आपकी होगी, ग्रामर की नॉलेज नहीं भी होगी, तब भी आप इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हो। आपको थोड़ी कहानी पढ़नी है, उसको ज्वाइंट करना है और समझना है, और बिना ग्रामर के आराम से आप 3 से 5 मार्क्स तक ला सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ आज का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ये एग्जामिनेशन में पहले आ चुका है, ये वहां से लिया गया है और ये आरबीआई के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। Let us start. How many really suffers as a result of labor market problem? कितने लोग हैं जो labor market problem के कारण suffer कर रहे हैं? This is one of the most critical. Critical का मतलब बहुत important, बहुत crucial, जिसकी value बहुत ज़्यादा हो. This is one of the most critical yet contagious. Contagious मतलब कि जो भी जिस पे लगा जाता है लोग बात नहीं करना चाहें. Social policy question. ठीक है. In many ways, our social statistics exaggerate the degree of hardship. कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सोशल स्टैटिस्टिक आती है, मतलब जो हम लोग चेक करते हैं कि सोशली क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, एग्जैजरेट मतलब होता है बढ़ा देना। डिग्री ऑफ हार्डशिप, जितनी हार्डशिप है उससे ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट हैव द सेम डायर कॉन्सिक्वेंसेस टूडे। पहले क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा असर होता था, बट अब क्या है, कई बार आप देखते होंगे किसी की नौकरी चली गई, उसको 4 महीने बाद दोबारा प्राइवेट में नौकरी मिल रही है। बहुत लोग ये कहते हैं कि आज के टाइम में नौकरी नहीं है, बट ये भी फैक्ट है कि आज के टाइम पे प्राइवेट नौकरी हैं। अगर आप करना चाहो तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। क्या पहले किसी को, आप जानते हो जो ऑनलाइन पढ़ाई करता था, पढ़ सकता था, बट अच्छे अच्छे टीचर्स अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। क्या पहले आप जानते थे कि वर्क फ्रॉम होम जैसा ऑप्शन मिलता था? नहीं सुना था आपने, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप उसको इम्पार्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट हैव सेम डायर कॉन्सिक्वेंसेस। आज भी अगर आपके पास सीधे बीए और एमए की डिग्री है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट अगर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसको अदरवाइज मत लेना, पढ़ाई ऐसा नहीं है कि इतना ईजी है कुछ भी करना, बट हाँ ऑप्शंस खुल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट हैव द सेम डायर कॉन्सिक्वेंसेस टुडे। अनएम्प्लॉयमेंट के उतने कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक नहीं होते हैं एज इन 1930 when most of the unemployment were primarily breadwinners. कि पहले क्या होता था कि जितने भी unemployed होते थे वो breadwinners होते थे, मतलब अकेला घर चलाते थे टाइप का। when income and earning were usually much closer to the margin. पहले ऐसा होता था, इनका कहना है कि 1930 के टाइम पे क्या होता था कि आदमी जितना कमाता था उतना खर्च कर देता था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स, मतलब खाना खाने में ही या घर मेंटेन करने में। आज के टाइम पे लोगों का जो है खर्चे भी बढ़ गए हैं, आप फोन्स खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो ये कई चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में, ठीक है। एंड व्हेन देयर आर नो काउंटरवेलिंग सोशल प्रोग्राम्स, और उस जमाने में कोई सोशल प्रोग्राम्स नहीं हुआ करता था। आज के टाइम पे बहुत से सोशल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, फॉर दोज फॉलिंग इन लेबर मार्केट। ये लेबर मार्केट की बात हो रही है, ये चीज़ का ध्यान रखना, अपने आप को मत कंपेयर करने लगना इस चीज़ से। इंक्रीजिंग एफ्लुएंस द राइज ऑफ फैमिली विद मोर देन वन वेज अंदर। अब क्या हुआ है कि पहले से ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। राइज ऑफ फैमिली विद वन मोर देन वन वेज अर्नर, मतलब पहले कोई एक कमाता था, अब कई लोग कमाते हैं घर में, कई लोगों की वाइफ भी काम करती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। द ग्रोइंग प्रीडोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी अर्नर, जो पहले क्या था, ये चीज़ नहीं थी। प्रीडोमिनेंस मतलब कि ये डोमिनेट कर रहे हैं सेकेंडरी अर्नर, मतलब जिनके घर में हैं दो लोग अर्न करने वाले, अमंग द अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड के लोगों के बीच में सेकेंडरी अर्नर का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। एंड इम्प्रूव सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन हैव अनक्वेश्चनेबली mitigated the consequences of joblessness. कि जो ये social welfare programs हैं और जो second earner का फायदा है, उसकी वजह से कई problems, जैसे अगर किसी की नौकरी चली भी गई तो कोई problem आ जाएगी, वो कम हो जाती है थोड़ी सी। Earning and income data also overstate the dimension of hardship. वो कितनी earning है और कितना income data हमारे पास actually है, वो कुछ ज़्यादा ही hardship dimension का show कर रहा है। Among the million with hourly earning at a below the minimum wage level, कई ऐसे हैं millions जो below the minimum wage, minimum wage होता है कि government तय करती है कि इससे कम पे तो काम नहीं करना चाहिए, ये इतना minimum मिलना चाहिए। लेकिन आज के date में जब job की कमी है तो लोग किसी भी wage पे काम करने के, labor की बात हो रही है, तो labor तैयार हो जाता है। द
ओवरवेलिंग मेजोरिटी आर फ्रॉम मल्टीपल अर्नर्स, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मल्टीपल अर्नर्स हैं, वो लोग कम वेज पे भी काम कर रही हैं, रिलेटिवली एफ्लुएंट फैमिलीज, जो ठीक ठाक फैमिलीज हैं. मोस्ट ऑफ दोज काउंटेड बाई द पॉवर्टी स्टैटिक्स आर एल्डरली और हैंडीकैप. जो ये स्टैटिक्स जो लोग नोट करते हैं वो ज़्यादातर पुराने लोगों का, मतलब जो ओल्ड लोग हैं और हैंडीकैप लोग हैं, उनकी फैमिली के बारे में रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, विच कीप देम आउट ऑफ लेबर फोर्स. ये सारी चीज़ों के कारण, क्योंकि ओल्ड लोग होते हैं और जो हैंडीकैप होते हैं वो काम नहीं कर सकते, तो वो लोग लेबर फोर्स के बाहर हैं, ठीक है. सो द पॉवर्टी स्टैटिक्स हैज नो मीन्स एन एक्यूरेट इंडिकेटर फॉर लेबर लॉ पैथोलॉजीज. अब देखो ये कह रहा है कि जहाँ पे ये लोग काम ही नहीं कर सकते, अगर आप उनका भी डेटा क्लियर करोगे कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत ही स्टैटिक दिखाएगा, क्योंकि ये जॉब होती तब भी ये लोग काम नहीं कर पाते, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पढ़ के समझनी है. येट देर आर ऑल्सो मेनी अदर सोशल स्टैटिस्टिक अंडर एस्टिमेट्स द डिग्री ऑफ लेबर मार्केट रिलेटेड हार्डशिप. और कुछ ऐसे भी स्टैटिक हैं जो स्टैटिक्स हैं हमारे पास जो जो एक्चुअल हार्डशिप है उनको भी कम करके दिखाती है. द अनएम्प्लॉयमेंट काउंट्स एक्सक्लूड्स अ मिलियन ऑफ फुली एम्प्लॉयड वर्कर हुज वेजेस आर सो लो दैट देयर फैमिलीज रिमेन इन पॉवर्टी. कई ऐसे मिलियन ऑफ वर्कर्स हैं जो बहुत कम पे काम कर रहे हैं, तब सिर्फ खाने का काम हो पा रहा है, और उनकी जो फैमिली है आज भी इसलिए पॉवर्टी में है, उनके काम करने के बाद भी, ठीक है. लो वेज एंड रिपीटेड ऑफ प्रोलॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट. एक तो या तो लो वेज हो, कम पैसा मिल रहा हो, या काफी टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट हो. फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट टू अंडरमाइन द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ सपोर्ट. तो उससे क्या होता है कि अगर आप बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड हो तो जो आपको पास सपोर्ट का सिस्टम होता है वो खत्म हो जाता है. सिंस द नंबर ऑफ एक्सपीरियंसिंग जॉबलेसनेस एट सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर इन सेवरल टाइम्स द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एनी मंथ दोज हु सफर एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स आइडलनेस. क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप कई महीने तक खाली बैठे रहते हो, तो जो डेटा होता है वो शो करता है कुछ गलत इंफॉर्मेशन, ठीक है. दोज हु सफर एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स आइडलनेस कैन इक्वल और एक्सीड एवरेज एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट. वो ज्यादा होते हैं एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट से. मान लो कोई 2 महीने के लिए अनएम्प्लॉय हुआ, लेकिन फिर 2 महीने उसको जॉब मिल गई, फिर 3 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हुआ, लेकिन ईयरली अगर आप उसको तो काउंट करोगे तो कहोगे कि ये तो अनएम्प्लॉयड था. तो ऐसे बहुत से लोग इस तरह के डेटा में छूट जाते हैं, ठीक है. इवन दो ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ जॉबलेस इन अ मंथ रियली सफर्स. वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि मंथ का उनका डेटा नहीं मिलता. फॉर एवरी पर्सन काउंटेड इन मंथली अनएम्प्लॉयमेंट टैलीज देर इज अनदर वर्किंग पार्ट टाइम बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू फाइंड फुल टाइम. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं क्योंकि वो मंथली काम नहीं कर रहे, लेकिन वो पार्ट टाइम काम करते रहते हैं क्योंकि उनको फुल टाइम नहीं मिला होता है. और एल्स आउटसाइड द लेबर फोर्स बट वॉन्टिंग अ जॉब. कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे जो खेत में काम कर रहे हैं, वो जॉब खोज रहे हैं, लेकिन कुछ तो काम कर ही रहते हैं, तो उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट दिखा दिया जाता है. तो ये सारी चीज़ें डेटा की गलती होती है ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. इस सेंटेंस, इस पूरे कहानी से आपको ये पता चल रहा है. फाइनली इनकम ट्रांसफर इन आवर कंट्री हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन द एल्डरली डिसेबल्ड एंड डिपेंडेंट निगलेक्टिंग द नीड्स ऑफ वर्किंग प्यूअर. कई बार जो हम ये सारी सोशल चलते हैं ना, आप देखोगे सोशल स्कीम्स जो भी होती हैं वो बूढ़े लोगों के लिए होती हैं, या जो डिसेबल होते हैं उनके लिए होती हैं, या किसी पर डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन जो पुअर लोग हैं, वर्किंग पुअर हैं, उनके लिए ऐसा कुछ ज़्यादा स्कीम्स नहीं आती. सो दैट द ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ कैश इन काइंड ट्रांसफर डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट दोज फेलिंग द लेबर मार्केट आर एडिकुअली प्रोटेक्टेड. तो पहले ऊपर की बात कर रहे थे कि बहुत से हमारे पास ऐसी स्कीम्स हैं, अब यहाँ हम उन स्कीम्स की कमी के बारे में बात कर रहे हैं कि कई बार वो लोग छूट जाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है. एज अ रिजल्ट ऑफ सच कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस. तो देखो ना, यहाँ दूसरी बात हो रही है, यहाँ दूसरी बात है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब अलग अलग तरीके की अपनी बात को काटने की बात हो रही है. इट इज अ सर्टेन वेदर फॉर दोज सफरिंग सीरियसली एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर मार्केट प्रॉब्लम नंबर इज इन हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स और टेंस ऑफ मिलियंस एंड हेंस वेदर हाई लेवल ऑफ जॉबलेसनेस कैन बी टॉलरेटेड और मस्ट बी काउंटेड बाई जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस. अभी कह रहा है कि इस तरह का जो चीज़ें, दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए कि क्या ये हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स की कमी है या मिलियंस की जॉबलेसनेस है, और ऐसे में हमको क्या जॉब क्रिएशन पे मेहनत करनी चाहिए, उनको स्टिमुलस देना चाहिए, मतलब पैकेजेस देना चाहिए, किस चीज़ पर हमको फोकस करना चाहिए. देयर इज ओनली वन एरिया ऑफ एग्रीमेंट इन द डिबेट. अब ये डिबेट है इसी बात का कि भाई हमको करना क्या चाहिए. दैट द एग्जिस्टिंग पॉवर्टी अनएम्प्लॉय सॉरी एग्जिस्टिंग पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग स्टैटिस्टिक्स आर इनएडिक्वेट फॉर देयर प्राइमरी एप्लीकेशन. जिस चीज़ के लिए ये सारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो चीज़ें कंप्लीट नहीं है, ये सेंटेंस ही बताने की कोशिश कर रहा है. अब इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक ऑफ द पैसेज. ठीक है, विच इज द प्रिंसिपल टॉपिक ऑफ द पैसेज. कहना क्या चाहता है इस कहानी में हमको ये पता करना है.
यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। द कॉज ऑफ लेबर मार्केट पैथोलॉजीज दैट रिजल्ट इन सफरिंग, नहीं, व्हाई इनकम मेजर्स आर इन प्रिसाइज इन मेजरिंग डिग्री ऑफ पॉवर्टी, ये वाई तो नहीं बताया है, ऐसा होता है कि वो इम्प्रिसाइज है, वो सही चीज़ें नहीं बता पाती, ये बात हो रही है सेंटेंस में ना। तो विच इज करंटली यूज स्टैटिस्टिक प्रोसीजर आर द बेस्ट, बेस्ट की बात ही नहीं हो रही कि कौन सा बेस्ट है। व्हेन द एरिया ऑफ एग्रीमेंट्स आर अमंग पॉवर्टी इम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग फिगर्स, वेयर द एरिया, कहाँ पे वो लोग की सिमिलैरिटीज हैं इसके बारे में, हाउ सोशल स्टैटिक्स गिव एन अनक्लियर पिक्चर, ये देखो ये बात हो रही है ना, यही हुआ है कि सोशल स्टैटिक्स जो हम नोट करते हैं उसके क्लियर पिक्चर हमको नहीं मिलती। और द डिग्री ऑफ हार्डशिप कॉज बाई द लो वेजेस एंड इनसफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका आंसर है ई। नेक्स्ट आते हैं, द ऑथर यूज लेबर मार्केट प्रॉब्लम्स इन लाइन वन एंड टू टू रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वन और टू में लेबर मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को फोकस किया गया है। द ओवरऑल कॉज ऑफ पॉवर्टी, डिफिशियंसी इन द ट्रेनिंग ऑफ द वर्क फोर्स, डिफिशियंसी की बात तो हुई नहीं है, ट्रेड रिलेशनशिप अमंग प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स, शॉर्टेज ऑफ जॉब प्रोवाइडिंग एडुकेट इनकम, ये भी बात नहीं हुई है, और स्ट्राइक एंड इनएडुकेट सप्लाईज ऑफ लेबर। अब देखो कहाँ पे बात हुई है, शॉर्टेजेस ऑफ जॉब प्रोवाइडिंग एडुकेट इनकम, देखो द ऑथर यूजेस लेबर मार्केट प्रॉब्लम इन द लाइन टू वन एंड टू टू रेफर द फॉलोइंग, लाइन वन और टू में क्या क्या बातें की गई हैं, कि शॉर्टेजेस ऑफ जॉब की बात की गई है क्या, लाइन वन में क्या है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल येट कंटीजियस सोशल पॉलिसी क्वेश्चन, इन मेनी वेज आवर सोशल स्टैटिक्स एडुकेट डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट हैव द सेम डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ये पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, लेबर मार्केट प्रॉब्लम का, ओके ये सेकेंड वाले पैराग्राम में अगर देखो, हाँ, द डिग्री ऑफ लेबर मार्केट रिलेशनशिप हार्डशिप द अनएम्प्लॉयमेंट काउंट्स एक्सक्लूड्स अ मिलियन ऑफ फुली एम्प्लॉयड वर्कर, ओके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ उन लोगों को छोड़ दिया गया है जो फुली एम्प्लॉयड वर्कर हैं, तो यहाँ पे शॉर्टेजेस ऑफ की जॉब की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, द ऑथर कॉन्ट्रैक्ट्स द 1930s विद द प्रेजेंट इन ऑर्डर टू शो दैट, इन्होंने 1930 की देखो यहाँ बात हुई है, इन्होंने क्या कहा है कि कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है 1930 विद द प्रेजेंट इन ऑर्डर टू शो दैट मोर पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन 1930, ऐसी बात कही है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट हैज लेस सीवियर इफेक्ट, देखो पहली लाइन में चाहिए कि पहले था अब नहीं है, आवर सोशल स्टैटिक्स एग्रीगेट द डिग्री ऑफ हार्डशिप, अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट हैव द सेम डायर कॉन्सिक्वेंसेस, डायर मतलब एकदम बहुत डेंजरस या बहुत मतलब दयनीय वाली स्थिति नहीं है, तो ये वाला होता है इसका बी, इसका बी सही हो जाएगा। सो सी वाला भी देख लो, सोशल प्रोग्राम्स आर मोर नीडेड नाउ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, देयर इज अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली एंड हैंडीकैप, ज़्यादा लोग हैं ऐसा ऐसा कुछ कह रहा है, पॉवर्टी हैज इंक्रीज्ड, ये भी नहीं कह रहा है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल बेस्ट रिस्पॉन्स टू द इशू रेज बाय द ऑथर, ऑथर ने कौन सा प्रपोजल रेस किया है इस पूरे सेंटेंस में। ठीक है, इनोवेटिव प्रोग्राम्स यूजिंग मल्टीपल अप्रोचेस शुड बी सेट अप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस बारे में कुछ बात हुई है, अ कॉम्प्रोमाइज शुड बी फाउंड बिटवीन द पोजीशन ऑफ दोज हु व्यू जॉबलेसनेस एज एन इवल ग्रेटर, इस बारे में कुछ नहीं बात हो रही है कि कॉम्प्रोमाइज करना है, न्यू स्टैटिस्टिक इंडिकेट इंडिसीज शुड बी डेवलप्ड टू मेजर द डिग्री to which unemployment and inadequately paid employment cause suffering, इस बारे में बात हुई है, यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखो जब तक आप इस सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ के पढ़ोगे नहीं, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, अभी तक आप देखो सारे सेंटेंस में ना मीनिंग की ही बात हो रही है, पूरे के पूरे मीनिंग आपको निकालने होंगे, और वो कैसे निकलेगी जब आप इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा पढ़ोगे, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डर के मारे छोड़ देते हैं बीच में, ऐसा नहीं करना। Last question, the author's purpose in citing those who are repeatedly unemployed during a 12-month period is most probably to show that, अब यहाँ पे ये जो हम पढ़े थे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12 महीने में कई बार अनएम्प्लॉयड होते हैं, ऐसे कई बार लोग आते हैं कि 2 महीने की जॉब आई, फिर 3 महीने अनएम्प्लॉयड हो गया, फिर 2 महीने जॉब किया, तो ऐसा बेसिकली किस तरह का होता है, एग्रीकल्चर वाले फील्ड में होता है, जिस समय बुआई हो रही है, कटाई हो रही है, तो ये भी लोग लेबर ही होते हैं ना, तो कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनकी बीच बीच में जॉब आती है फिर चली जाती है, तो इससे वो क्या शो करना चाह रहा है कि देर इज सेवरल फैक्टर दैट कॉज पेमेंट ऑफ लो वेजेस, ये तो नहीं बात हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स कैन बी अंडर एस्टिमेट द हार्डशिप रिजल्टिंग ऑफ जॉबलेसनेस,
यही बात हुई है यहाँ पे। आप देखोगे जब इस पैरा में बीच में पढ़ोगे तो यू विल फाइंड द सेम थिंग। तो इस चीज़ को पढ़िए, समझिए, और नेक्स्ट वीक ऑप्शन अगर आपको देखना चाहिए, आपको डाउट हो रहा है तो फिर आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको मिल गया तो आप मूव ऑन कर सकते हो। देखो आरसी का बेसिक फंडा यही है, ग्रामर नहीं आती है कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो, कहानी है समझने की कोशिश करो। जब आप रोज एक आरसी लगाना शुरू कर दोगे ना, और जब महीने में आप 30 आरसी लगा लोगे, तो आप उसके बाद जब आरसी लगाओगे तो डेफिनेटली आपका आरसी इंप्रूव हो जाएगा। एक आरसी के बाद आपको आरसी आने लगेगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कैसे पढ़ना है क्या करना है, तो वो चीज़ आप